अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबी झटपट किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की दो रेसिपी लेकर आई हूँ, पोटैटो कबाब एंड बीफ कबाब। बीफ कबाब के लिए मैंने हाफ के जी कीमा ली है और साथ में तीन बड़े अनियन को चोकर में डाल के सर्व करने के लिए। अनियन हमारे सर्व हो रहे हैं लहसुन एंड ग्रीन चिली के साथ है, इन्हें हम सर्व करके कीमे में मिक्स कर लिए अनियन को, ग्रीन चिली को एंड लहसुन को। अब इसमें रेड चिली ऐड कर दी है 1.5 स्पून, साल्ट ऐड कर दी है तकरीबन 1.5 स्पून, बेसन ऐड किया है तकरीबन 2 स्पून और ब्रेड क्रम्स, लेमन 1 अदद। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने कबाब बनाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं और बहुत अच्छे मज़े के कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएं। ये माशाल्लाह हमारे कबाब कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। ये पोटैटो मैश करके रख लिए थे जो हाफ के जी हमने लिए थे, इनमें अनियन मैश करके रखे हुए थे। अनियन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, साथ में ग्रीन चिली 3 ऐड कर लिए, साल्ट 1 स्पून और रेड चिली 1 स्पून और 1 लेमन ऐड किया है, ब्रेड क्रम्स 1 प्याली ऐड की है ताकि हम टूटे नहीं। और इन्हें अब हम मिक्स करके रख के तो फ्राई कर लेते हैं। ये माशाल्लाह मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करके ये रेडी हो चुके हैं हमारे बीफ कबाब एंड पोटैटो कबाब। बहुत मज़े की, बहुत हस्ता और अच्छे कबाब हमारे रेडी हुए हैं। इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छे कबाब बनते हैं।